शर्ट चेक, बैनर भी रख लिया, बैट भी रख ली, सब कुछ हो गया। अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गया। इम्पोर्टेंट चीज क्या? अबे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आईफोन कैलकुलेटर। आरसीबी फैन बनेगा रे तू? ओ बैंस तो कैसे हो? ऐसा असंभव, ये क्या देख लिया मैंने? भाई लोग बोले तो कांड तो के रावल ने किया था, पर लफड़ा तो आरआर वालों के साथ हो गया यार। कैसा हरा है? भाई साहब आरआर वाले आरसीबी को हल्के में ले रहे थे, आरसीबी वालों ने कसम से मुंह पे फेटा लगाया इनके। वो तो भाई साहब भला उस किरमाड़ा की आत्मा का जो दो तीन छक्के मार दिए, तो कसम से यार इनसे 30 रन भी नहीं बनने थे। बोलना कुछ तो बोल। भाई लोग देखो तुम लोग कुछ भी बोलो पर आरसीबी के रिकॉर्ड ना बड़े खतरनाक होते हैं। कोई टीम कितना भी बम फटे तक बैटिंग कर ले 263 रन नहीं बनते उनसे, और कोई टीम कितना भी हक दे 49 से नीचे नहीं बनते उनसे। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। भाई लोग बोले तो आज दिन ही आरसीबी वालों का था यार। विराट भाई आउट हो गए तो फाफ मैक्सवेल ने रन बना दिए, और डुप्लेसी या मैक्सवेल आउट हो जाते तो विराट भाई रन तो बना ही देते। अबे यार अगर तीनों भी रन नहीं बनाते ना तो मिडल ऑर्डर तो सॉरी वो तो है ही नहीं। जैसे तुम्हें पता है आज था आरसीबी का दिन, ऐसा वो अनुज रावत ने तक रन बना दिए। अरे मेरे आरसीबी के रियान पर क्या खा के आया भाई तू? फिनिशिंग बोले तो डिविलियर्स जैसी, और स्टंपिंग बोले तो माई भाई जैसी। चमत्कार है, चमत्कार। भाई लोग आरसीबी वालों ने आरआर कितनी मारी है ना, एलएसजी वालों तक की फट गई। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया आरसीबी। मैं बता रहा हूं जो भी लखनऊ का ट्विटर हैंडल करता है ना, गंभीर भाई के हाथ में चढ़ जाना तुम। सांप को पाल रहा था। भाई लोग अनुज रावत ने तो अपने रंग बदल दिए, पर अपने डीके भाई बिल्कुल सेम टू सेम। डीके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना रोज का काम करके गए जीरो बनाने का। तब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। भाई लोग बोले तो जितना काम इस फोटो में माधुरी के दुपट्टे का है ना, उतना काम डीके भाई का आरसीबी की बैटिंग में, मतलब घंटा कुछ नहीं। 59 ऑल आउट। अरे क्या बात हो रही यार मुझे बताओ। अरे मैक्सी 69 में से 10 हटा, 69 में से 10, 59 ऑल आउट। भैया आप लोग भी 49 पे ऑल आउट हुए थे? हाँ ठीक है उस पे मत जाया कर तू। अरे मुझे भी जोक बता यार, मैं भी हंसूंगा। खुद की बैटिंग देख ले, हंस देगा। इतना भी मत फेंक, मैं इतनी भी खराब बैटिंग नहीं करता। अबे खराब तो तब करेगा ना जब बैटिंग करेगा, आता है और चला जाता है। बात तो सही है। अबे तू अपना देखना जीरो का चौदह। अरे वो तो मैंने आरसी वालों का ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा बेटे तूने हमको छोड़ा? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। भाई बताना इनको। हाँ भाई मजाक कर रहा था ये। हाँ मजाक ही करेगा, रन तो बनते नहीं यार। बात तो सुन, खुद से मत जोड़ मुझको, मैं अलग हूँ। पन तो भाई भाई थे ना यार, दूर आकर मुझसे अब मेरे रन बन गए। मैं बता रहा हूँ तुमको, सारी इसकी गलती है, मेरी गलती है। भाई नशा फूक क्या है ये? बिल्कुल सही बोल रहा है तू, यही पनौती है। भाई मैंने क्या किया यार, मैं तो बाहर बैठा हूँ। भाई तो बाहर की बैठा है, तू घर पे जाना अपने। अरे भाई लोग तुम्हारे भाई को तो मजा है राजस्थान की बैटिंग देखने में। राजस्थान वाले बेचारे बैटिंग करने के आरसी बॉलर्स ने सीधा बोल दिया। अरे भिक मंगिया हलवा है क्या? भाई लोग इसे कहते हैं घर में घुस के बेइज्जती करना। भाई लोग जैसी बटलर और जयसवाल जीरो पे आउट हुए ना, इनकी पूरी टीम ही लेट गई। भाई लोग जैसे तुम जानते हो आईपीएल तो चली रहा है, पर इस आईपीएल सीजन आप जीत सकते हो लाखों रुपए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी ऐप पे अपनी टीम बनानी है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और लाखों रुपए जीतो। क्योंकि यहाँ पे इंडिया का इजीस्ट फैंटेसी क्रिकेट ऐप, और इस ऐप पे आपको फालतू स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते, ऐसे क्रिकेट फैंस के लिए बनाया गया। यहाँ पे आपको 1 करोड़ जीतने के सपने नहीं दिखाए जाते, यहाँ पे सच में पैसे जीते जाते हैं। अब तक इस ऐप से 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाखों में पैसे जीते। और इनका ऐप डाउनलोड करो, ज्वाइन करो इनका फ्री कॉन्टेस्ट, जहाँ पे 20,000 रुपए तक जीत सकते हो। आपको दूसरे ऐप के कंपेरिजन में बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिलेगी, आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। ऐप प्ले स्टोर का हाईएस्ट रेटेड फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। जाओ ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, जाके आपको डाउनलोड करो, अपनी टीम अब भी बना लो। और हाँ मेरा प्रोमो कोड क्रिप 500 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 500 का बोनस मिलेगा। पर भाई लोग कुछ ज्ञानी लोग ये मुद्दा उठा रहे कि ये कैच थी या ना थी। अबे आरआर वालों अगर आउट नहीं भी देते ना, तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते? 59 से 60 रन बना देते। चुप कर बे कुत्ते। राजस्थान 59 ऑल आउट आरसीबी। ओ माय गॉड आज तो बहुत क्रेजी कर लिया हमने। हल्के में ले रहा था, बॉलिंग तो सही लग रही है। डुप्लेसी ऑरेंज कैप, इस सीजन में ऑरेंज कैप किसी को प्राप्त नहीं करने दूंगा, या अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बंदा हर मैच में कैसे रन बना लेता है यार। मैक्सवेल बैटिंग, आरसीबी मिडल ऑर्डर। ये जनाब आउट हो जाए तो नीचे कुछ नहीं रहता फिर। विराट कोहली 18, तू तो रन बनाना ही भूल गया बच्चे। विराट भाई ऐसा कैसे चलेगा यार, रन बनाओ यार। परफॉर्मेंस ऑफ आरसीबी मिडल ऑर्डर बैट्समैन अनुज रावत। ये बंदा ही पहले वैसा था, पता नहीं आज के मैच में कैसे मार दिए इसने। देख क्या रहा है भाई, अपन की टीम में इतनी प्लेयर है, वो 4 प्लेयर से मैच जीत जाए वो है आरसीबी। आरआर बैट्समैन वैगन भी। आओ 2 बॉल खेलो चले जाओ। बॉलिंग मशीन, रन मशीन, गालियां खाने वाली मशीन। ठीक है भाई आजकल रियान पराग की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा का नहीं, आरसीबी का 49 ऑल आउट का रिकॉर्ड तोड़ने से बचाने का घमंड है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ इस बंदे ने बचा लिया, नहीं तो 30 से भी ऊपर नहीं बढ़ने वाले थे। आरआर बैट्समैन आरसीबी बॉलर। भाई कसम से कुत्ता बना के मारा है यार। दिनेश कार्तिक, अरे इस बीएसजी को फिनिशर बोल रहे थे हम, साले को बम से उड़ा दूं। ठीक है भाई तो आरसीबी फैंस का दिन दहाड़े चूतिया काटते हैं। जिसको पता नहीं चलना चाहिए मैं फॉर्म में हूं, डायरेक्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल में कमबैक करेंगे। अरे वाह गुड है। विराट भाई प्लानिंग। एक तो इतनी मुश्किल से बैटिंग मिली, और आज इन लोगों को इतना खराब खेलना था।
ऐसे यार रूट भाई को बैटिंग नहीं मिलती, फिर ऐसी बैटिंग कराते हो तुम। लेकिन धोनी भाई मुझे तो लगा था आपसे मिलने के बाद मैं दोबारा शतक मारूंगा, पर मैं जीरो पे आउट हो गया। भाई भाई की कोई गलती नहीं इसमें। दिस मैन इज सो हंबल, इन जस्ट 5.5 करोड़ ही इज प्लेइंग फॉर 9 टीम्स। आरसीबी को छोड़ के सब टीम के लिए खेलते, ठीक है भाई। गुलाबी थी मार्ली। भाई देखो ये बड़ा खतरनाक भी है, कीपिंग तो कर ही रहा हुआ, बैटिंग भी करके दू क्या तुमको? ठीक है भाई, तो कीपिंग भी नहीं कर रहे, तुम बैटिंग तो कर ले यार। स्टोरी डालू रात भर, रन बनाओ झट। विराट भाई ऐसे नहीं खेल जाओ, हम भी स्टोरी रख पाए यार। फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, आरसीबी, विराट भाई और सिराज मिया को भी ला लो, इतनी तो टीम है तुम्हारी। टू बॉल डक फॉर दिनेश कार्तिक कोहली, इस लल्लू पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, 5.5 करोड़ ले रहे, डक पे डक मार।